हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल पिक्चर। ठीक है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के लक्षण बताने जा रहा हूँ। ठीक है, कि मतलब इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो क्या क्या हमें लक्षण दिखाई देंगे, क्या क्या क्लिनिकल पिक्चर दिखाई देंगे। ठीक है, अब्डोमिनल पेन। अब्डोमिनल पेन क्यों होता है? ड्यू टू डिस्टेंशन। किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू डिस्टेंशन की वजह से। डिस्टेंशन का मतलब होता है जैसे कि हम जो खाना खा रहे हैं, ठीक है, जो कंटेन होता है, ठीक है, जो स्टोमक के बाद में कहा जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है? ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से क्या हो रहा है? जो भी हम खा रहे हैं, ठीक है, जो भी हम खा रहे हैं कंटेन, वो क्या वहां पर इकट्ठा होने लगेंगे। तो इकट्ठा होने लगेंगे तो क्या होगा? जहां पर वो अब्डोमिनल वॉल्स हो, क्या होगी? डिस्टेंस होगी। ठीक है, उनके बीच में क्या होगा? डिस्टेंस होगा। ठीक है, वहां पर वो इकट्ठा हो रही है। ठीक है, उनकी वजह से क्या होगा? अब्डोमिनल पेन होगा। वोमिटिंग क्यों हो रही है? सेकेंड लक्षण है वोमिटिंग। वोमिटिंग का मतलब होता है, देखो, अगर पेशेंट को वोमिटिंग होगी तो हम उसमें क्या निकलेगा? एक तो सोडियम निकलेगा, पोटेशियम। ठीक है, सोडियम या पोटेशियम, तो क्या होगा? सोडियम और पोटेशियम का लॉस होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा? हाइपोनेट्रेमिया और हाइपोकैलेमिया। क्या होगा? हाइपोनेट्रेमिया, हाइपोकैलेमिया। हाइपोनेट्रेमिया का मतलब होता है सोडियम का लेवल कम होना, ठीक है, और हाइपोकैलेमिया का मतलब पोटेशियम का लेवल कम होना। ठीक है, डिक्रीज द लेवल ऑफ सोडियम, डिक्रीज द लेवल ऑफ पोटेशियम। ठीक है, इसका मीन्स होता है हाइपोनेट्रेमिया और हाइपोकैलेमिया। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वोमिटिंग के अंदर एचसीएल लॉस हो रहा है। ठीक है, एचसीएल लॉस होने के साथ सोडियम और पोटेशियम भी लॉस होगा। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, उनका लेवल डिक्रीज होने लगेगा बॉडी के अंदर। और वोमिटिंग, वोमिटिंग क्यों हो रही है? देखो, वोमिटिंग होने से क्या सोडियम और पोटेशियम लॉस होंगे। और वोमिटिंग क्यों हो रही है? क्योंकि वहां पर जो भी हम कुछ खाए, ठीक है, जो भी हम फूड कंटेंट इंटेक कर रहे हैं, तो वो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टाइन के अंदर जाके इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, वो पास आउट नहीं हो रहे, वहीं पर भी इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, वहीं पर ही जमा हो रहा है। ठीक है, क्यों हो रहा है? क्योंकि इंटेस्टाइन के बीच में क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से क्या होगा? जो कंटेंट होता है, ठीक है, जो फूड मटेरियल होता है, खाते हैं, ठीक है, वो क्या? रीगर्जिटेशन होगा। और रीगर्जिटेशन की वजह से क्या होगा? वोमिटिंग होगी। ठीक है, और डिस्टेंशन, डिस्टेंशन क्यों होगा? मैंने आपको बताया था। ठीक है, डिस्टेंशन इसलिए होगा क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है? जो फूड कंटेंट है वहां पर क्या हो रहा है? इकट्ठा हो रहा है। और इकट्ठा होने की वजह से उनकी जो वॉल्स होते हैं उनके बीच में क्या होगा? डिस्टेंस होगा। ठीक है, डिस्टेंशन होगा। कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? पेरिस्टाल्टिक, ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट फेल हो गया। ठीक है, फेलियर। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होने पे, जब अगर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा तभी तो फिकल मटेरियल है वो के पास आउट होंगे। ठीक है, फर्दर मूव कर रहा है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक का काम क्या है? जो कंटेंट होते हैं उनका क्या कराता है? फर्दर मूव कराता है। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कौन भेजता है? पेरिस्टाल्टिसिस की वजह से होता है। ठीक है, अगर पेरिस्टाल्टिसिस नहीं हो रहा है तो क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन होगा। क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन होगा। ठीक है, अगर पेरिस्टाल्टिसिस मूवमेंट नहीं होगा तो जो, ठीक है, जो कंटेंट है, ठीक है, जो फूड कंटेंट है वो क्या वहां पर इकट्ठा होने लगेंगे। ठीक है, वो फिकल मटेरियल वही इकट्ठा होने लगेगा। और कहां पर नहीं होगा? एक तो ईडियम के अंदर, एक सिग्मोइड कोलोन के अंदर। ठीक है, कहां पर होगा? ईडियम या सिग्मोइड कोलोन के अंदर। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन होगा। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन होगा। ठीक है, और इनएबिलिटी टू पास हलेक्टोनेस। हलेक्टोनेस का मतलब होता है गैसेज। क्या होगा? गैसेज। हलेक्टोनेस का मतलब क्या होता है? गैसेज। ठीक है, क्या होता है? गैसेज। जो भी हम खा रहे हैं, ठीक है, जो भी हम कुछ खाना वगैरह खा रहे हैं तो क्या हो रहा है? इंटेस्टाइन के अंदर क्या जाके इकट्ठा हो रहा है। और इकट्ठा हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा? जो हलेक्टोनेस है वो एबल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट
पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं हो रहा तो उसकी वजह से क्या होगा, इनएबिलिटी टू पास हेल्पलेस, ठीक है, गैस पासेज नहीं होगी। और मीडियल एब्डोमिनल गर्थ, एब्डोमिनल गर्थ का मतलब होता है एब्डोमिनल का एरिया बढ़ना, ठीक है, बढ़ना अपनी नॉर्मल शेप से। नॉर्मल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नॉर्मल एब्डोमिनल गर्थ कितनी होती है, 95 to 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 95 to 100 सेंटीमीटर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो डिस्टेंशन की वजह से क्या होगा, एब्डोमिनल गर्थ बढ़ेगी, ठीक है। एब्डोमिनल गर्थ कहां से मतलब चेक करेंगे, कहां से मीटर करेंगे, एयर द अम्ब्लाइकस, कहां से, एयर द अम्ब्लाइकस, ठीक है, एयर द अम्ब्लाइकस से हम क्या करेंगे, एब्डोमिनल गर्थ को मीटर करेंगे, ठीक है। और डिस्टेंशन की वजह से क्या होगा, एब्डोमिनल गर्थ बढ़ेगी, ठीक है, उसको मीटर कर सकते हैं। और नेक्स्ट वन क्या है, मेलाइज, क्या होता है मेलाइज, मेलाइज का मतलब फील डिस्कम्फर्ट, मतलब पेशेंट क्या करेगा, डिस्कम्फर्ट फील करेगा, ठीक है। और डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि फ्लूइड लॉस हो रहा है, क्यों हो रहा है, फ्लूइड लॉस हो रहा है, इसके साथ हो रहा है वोमिटिंग के साथ, वोमिटिंग ज्यादा होगी तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है। ये हो गए क्लिनिकल फीचर्स, एब्डोमिनल पेन, वोमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, कॉन्स्टिपेशन, इनएबिलिटी टू पास प्लेटलेट्स, मीटर एब्डोमिनल गर्थ और मेलाइज और डिहाइड्रेशन, ठीक है, ये हमारे हो गए क्लिनिकल फीचर्स। अब नेक्स्ट वन हम देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। सोडियम और पोटेशियम,
क्योंकि मोमेंट इन हो रही है और मोमेंट इन के साथ जब इलेक्ट्रोलाइट लॉस होंगे और लॉस होंगे तो क्या होगा, यहाँ पर होगा हाइपोनेटेलिया और यहाँ पर होगा हाइपोकेलेनिया। ठीक है, हाइपोनेटेलिया और यहाँ हाइपोकेलेनिया। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। ठीक है, स्टिकलेशन करेंगे ये। ठीक है, एक्सरे करेंगे, एंडोस्कोपी करेंगे, सीबीसी करेंगे, एपीटी करेंगे और इलेक्ट्रोलाइट चेक करेंगे। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। नेक्स्ट वन हम क्या देख रहे हैं, मैनेजमेंट। ठीक है, अभी हमने क्या देखा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, मैनेजमेंट देख रहे हैं। मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले क्या करते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट। ठीक है, मेडिकल मैनेजमेंट जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट। हाई ब्लड अगर डिहाइड्रेशन हो रहा है, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है, हाई ब्लड देंगे और इनपुट आउटपुट चार्ट को असेस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इनपुट आउटपुट चार्ट में क्या देखेंगे, उसके वैल्यू को मेजर करेंगे। ठीक है, ये हमारा मेडिकल मैनेजमेंट। और इसके अंदर देखो एनटीट्यू, एनटीट्यू एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, एनटीट्यू, एनटीट्यू एडमिनिस्ट्रेशन। एनटीट्यू का मतलब नेटोगैस्ट्रिक ट्यूब। क्या होता है, नेटोगैस्ट्रिक ट्यूब, या इसको क्या कहते हैं, राइस ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं, राइस ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं, राइस ट्यूब कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, राइस ट्यूब कहते हैं। एनटीट्यूब क्यों यूज कर रहे हैं, देखो इसके अंदर तीन ट्यूब यूज करेंगे, एक एंडी ट्यूब करेंगे, एक मिडलर एयरपोर्ट करेंगे और एक करेंगे एंटर ट्यूब। ठीक है, ये तीनों ट्यूब क्यों किस लिए करते हैं, एक तो डीकंप्रेस के लिए। ठीक है, जो स्टोमक है या इंटेस्टाइन है उसको डीकंप्रेशन के लिए करेंगे। सेकेंड, जो गैसेज है, ठीक है, उस जो एक्युमुलेशन गैसेज है उसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। ठीक है, और जो डिस्टेंशन है, ठीक है, डिस्टेंशन को प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, और जो फिकल जो मतलब मेटेरियल, जो फूड मेटेरियल इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, एक्सपायरेट करेंगे। ये स्टीम ट्यूबों का काम होता है। ठीक है, देखो एनटीट्यूब होती है ना, वो वन ल्यूमन की भी हो सकती है, दो ल्यूमन की भी हो सकती है। ठीक है, वन ल्यूमन, सेकंड ल्यूमन, ल्यूमन होती है। ठीक है, इसके अंदर दो ल्यूमन, ये जैसे है हमारा मतलब, ये इसको इसके अंदर क्या करेंगे, नाक के थ्रू क्या करेंगे, एनजीट्यूब डालेंगे। ठीक है, एनजीट्यूब डालेंगे। एनजीट्यूब क्या काम करेगी, स्टोमक के अंदर जाके क्या करेगी, जो डीकंप्रेस है, ठीक है, स्टोमक को क्या करेगी, डीकंप्रेस करेगी और डीकंप्रेस करेगी। ठीक है, और क्या करेगी, जो फूड इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, उसको क्या करेगी, एक्सपायरेट करेगी। ठीक है, उसको क्या करेगी, बाहर निकालेगी। ठीक है, क्या करेगी, बाहर निकालेगी। ठीक है, और जो मिनिमाइज है, ठीक है, जो डिस्टेंशन है, ठीक है, जो फूड मटेरियल के इकट्ठा होने से जो डिस्टेंशन बढ़ गया, ठीक है, उसको क्या करेगी, मिनिमाइज करेगी। ठीक है, उसको क्या, सेम लोकेशन पर लेके आएगी। ठीक है, अपनी जो भी एनाटॉमिकल लोकेशन है ऑर्गन की, उस एनाटॉमिकल लोकेशन पर लेके आएगी। ठीक है, कौन लेके आएगी, एनटीट्यूब। ठीक है, एनटीट्यूब डाल सकते, कौन सी पोजिशन देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के समय, हाई फाउलर पोजिशन। कौन सी, हाई फाउलर पोजिशन देंगे, कौन सी देंगे, हाई फाउलर पोजिशन देंगे। हाई फाउलर 80-90 डिग्री पर रखेंगे, 80-90 डिग्री। ठीक है, 80-90 डिग्री एनटीट्यूब। ठीक है, और सेकेंड नंबर होती है मिलर एयरपोर्ट ट्यूब। मिलर एयरपोर्ट ट्यूब ये क्या होती है, देखो मिलर एयरपोर्ट ट्यूब कैसी होती है, मिलर एयरपोर्ट ट्यूब के टू ल्यूमन होता है, कैसे होता है, टू ल्यूमन होता है। ठीक है, कैसे होती है, टू ल्यूमन होता है। ठीक है, देखो मिलर एयरपोर्ट ट्यूब कैसी होती है, टू ल्यूमन होता है। ठीक है, दो ल्यूमन होता है, क्या होता है, दो ल्यूमन होता है। और क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, एक बैलून लगा होता है, यहाँ पर क्या होता है, बैलून लगा होता है। ठीक है, ठीक है, ये क्या मिलर एयरपोर्ट ट्यूब है। देखो ये कौन सी ट्यूब है, मिलर एयरपोर्ट ट्यूब। एनटीट्यूब का आपके देख चुकी है, टू ल्यूमन होता है। ठीक है, टू ल्यूमन होते हैं। ठीक है, ये एनटीट्यूब है। ठीक है, इसके अंदर क्या होंगे, टू ल्यूमन होंगे। और मिलर एयरपोर्ट ट्यूब के अंदर टू ल्यूमन होते हैं। देखो ये एक फर्स्ट ल्यूमन और ये सेकंड ल्यूमन, और ये क्या होता है, बैलून होता है। क्या होता है, बैलून होता है। इसके अंदर क्या करेंगे, देखो फर्स्ट के अंदर क्या करेंगे, देखो
जो एयर है, ठीक है, ठीक है, एयर है, वो एयर को इन्फ्लेट करेंगे, एयर को इन्फ्लेट करेंगे, ये क्या करेगा, बैलून जो डिस्टेंशन है, ठीक है, उसको क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, ठीक है। अगर मैंने कहा ना आपको इंट्रोसेप्शन के अंदर, मतलब ओरोरस के अंदर या एडेशन के अंदर, आपको कहा ना कि मतलब जो इंटेस्टाइन एरिया होता है वो चिपक जाता है, ठीक है, तो चिपके हुए को क्या करेगा, ये हटाएगा, क्या करेगा, डिस्टेंस करेगा, ठीक है, डिस्टेंस करेगा, ठीक है, ठीक है, क्या करेगा, डिस्टेंस करेगा, एक लिमन के थ्रू तो एयर को इंप्लेट करेंगे, और दूसरा लिमन क्या करेगा, जो कंटेन है, जो कंटेन यहाँ पर डिपोजिट है, जो कंटेन यहाँ डिपोजिट है, सॉरी, जो कंटेन यहाँ इंटेस्टाइन के अंदर डिपोजिट है, उसको क्या करेगा, एक्सपायर करेगा, क्या करेगा, एक्सपायर करेगा। इसकी लेंथ कितनी होती है, 3 मीटर होती है, कितनी होती है, 3 मीटर होती है, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर यूज करते हैं, मिडल एपोर्टिव मोस्ट कॉमन किसके अंदर यूज करते हैं, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर यूज करते हैं, किसके अंदर, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर, ठीक है। ये 2 लिमन होती है, ठीक है, एक लिमन के अंदर एयर इंप्लेट करेंगे, और सेकंड लिमन के अंदर क्या करेंगे, जो इंटेस्टाइनल कंटेंट इकट्ठा हुआ है उसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, एस्पायरेट करेंगे, ठीक है, ये मिलर एपोर्टिव। थर्ड नंबर होते हैं कैंटर ट्यूब, क्या होती है, कैंटर ट्यूब, देखो कैंटर ट्यूब कैसे होते, देखो यहां पर ना ये क्या होती है, एसी ट्यूब होती है, ठीक है, कैसी होती है, एसी ट्यूब होती है, ठीक है, ये एक ल्यूमन होती है, क्या होती है, 1 ल्यूमन होती है, कैंटर ट्यूब कितनी होती है, 1 ल्यूमन होती है, ठीक है, 1 ल्यूमन होती है, और ये कितनी होती है, 10 फुट लॉन्ग होती है, किसे 10 फीट होती है, ठीक है, कितनी होती है, 10 फीट होती है, ठीक है, इसका ये, ठीक है, जो ये हम क्या करेंगे, इंटेस्टाइनल के अंदर डालेंगे, ठीक है, यहाँ स्टोमक के थ्रू इंटेस्टाइन के अंदर डालेंगे, स्टोमक के अंदर डालेंगे, ठीक है, तो ये क्या प्रेशर है, ठीक है, इसको दबाएंगे तो ठीक है, वो सब मटेरियल इसके अंदर मतलब इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, उसको धीरे धीरे रिलीज करेंगे ना, तो मटेरियल क्या करेंगे, एक्सपायर होने लग जाएंगे, ठीक है। ये कैंटर ट्यूब कौन सी है, कैंटर कौन सी है, कैंटर ट्यूब है, ठीक है, कैंटर ट्यूब है। ये 3 ट्यूब होगी, मैंने आपको 3 ट्यूब, एनजी ट्यूब, मिलर एपोर्टिव और कैंटर ट्यूब, ठीक है। एनजी ट्यूब देख, मेनली देखो आप, मेनली ये 3, ठीक है, जो मैंने आपको 3 ट्यूब बताई थी, एनजी ट्यूब, मिलर एपोर्टिव और कैंटर ट्यूब, ठीक है। अब उसके बाद में क्या देख रहे हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट देख रहे हैं, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या होता है, देखो पेशेंट को क्या रखेंगे, एनपीओ रखेंगे, एनपीओ क्यों रखेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी मतलब जो भी कुछ खा रहा है ऑलरेडी वो इंटेस्टाइन के अंदर जमा हो रहा है, क्योंकि उसको इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ठीक है। तो पेशेंट को क्या रखेंगे, एनपीओ रखेंगे, ठीक है, नील पर ओरल आयुष फ्लूड देंगे, आयुष फ्लूड क्यों देंगे, टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, ठीक है, डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या देंगे, आयुष फ्लूड देंगे, और सेमी फाउलर और हाई फाउलर पोजीशन देंगे, ठीक है, सेमी फाउलर या फाउलर पोजीशन देंगे, क्यों देंगे, सेमी फाउलर पोजीशन और हाई फाउलर पोजीशन, सेमी फाउलर होते 30 to 45 degrees और हाई फाउलर होते 80 to 90, ठीक है, क्यों देंगे, ताकि रीजर्जिटेशन ना हो, यहाँ पर एक ट्यूब वगैरह हमने कुछ एबॉर्ट किए, ठीक है, एडिटेशन किए, उसके लिए हमने देंगे सेमी फाउलर या हाई फाउलर पोजीशन देंगे, ठीक है, एनडी ट्यूब में हाई फाउलर पोजीशन देंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, जो हमने एनडी ट्यूब एडमिटेशन किए उसको क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे, ठीक है, उसके ड्रेनेज को मॉनिटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन के जो साइन है, ठीक है, उसकी स्किन टर्गर को क्या करेंगे, असेस करेंगे। स्किन टर्गर ये होती है, देखो अगर डिहाइड्रेशन होगा तो स्किन टर्गर हम स्किन को ऐसे पुश करेंगे, ठीक है, खांसी को वापस छोड़ेंगे तो धीरे धीरे जाएगी अपनी सेम लोकेशन पे, क्या करेगी, धीरे धीरे जाएगी, ठीक है। अगर किसी को डिहाइड्रेशन ना हो तो पुश करेंगे ना तो जल्दी से अपनी सेम लोकेशन पर चली जाएगी, ठीक है, और डिहाइड्रेशन में इसकी अपनी सेम लोकेशन पे धीरे धीरे जाएगी, ठीक है। ये हमारा क्या है, नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन आज कंप्लीट हो गया, ठीक है, थैंक यू, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, कल हम देखेंगे नेक्स्ट वीक, ओके, थैंक यू।